दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, 20x60 का आज हम हाउस प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर भी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये पूरे प्लान की हम बात करेंगे। इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर डिस्कस करेंगे, कितने रूम्स हैं, कितने बाई कितने रूम्स हैं और क्या पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल, ये दोस्तों, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 20 फीट में है और अगर हम लंबाई की बात करें तो 60 फीट में है। तभी आपको लंबा सा घर दिख रहा हो, तो आप देख सकते हो फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड और कार पार्किंग के लिए भी आपको बेहतरीन सा जगह मिलता है और बहुत ही बेहतरीन होम डिजाइन मैंने क्रिएट किया आप सभी के लिए। और ये एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला था कि सर 20x60 का मुझे होम डिजाइन बनाकर बताइएगा, तो उन्हीं के कहने पर मैंने ये डिजाइन आज रेडी किया है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा प्लान। सबसे पहले मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको ट्रांसपेरेंट मोड में, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा ट्रांसपेरेंट मोड में। आप देख सकते हो अंदर क्या है, कितने बेडरूम है, कितना आपका फर्नीचर है, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट में दिख जाता है। देख सकते हो आप सामने से भी, और अगर हम अपर ऊपर से बात करें देखने तो ऊपर से भी आप देख सकते हो और साइड से भी देख सकते हो। इसका ट्रांसपेरेंट व्यू है दोस्तों। और आज हम डिस्कस जो करेंगे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाते हैं ट्रांसपेरेंट मोड और डिस्कस करते हैं ओरिजिनल मॉडल जो कोई आपको ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे आपको लेकर ग्राउंड फ्लोर पर, और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैं पोर्शन की बात करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो आगे का ये पोर्शन देख रहे होंगे, ये लंबाई की बात करें तो ये 12 फिट है अप्रॉक्स, और ये पीछे वाला 13 फिट, आपका 25 फिट इसी में निकल जाता है, 12 आगे 13 पीछे। और जिसमें 13 में मैंने एक बड़ा सा हॉल आपका निकाल दिया है और बेहतरीन सा, और ये आपका लंबा लंबा जो ये आपका किचन है दोस्तों। ये अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट, अगर आपको डायमेंशन देखना है तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डायमेंशन देखिए मिल जाता है, कितने बाय कितने के रूम है सभी आपको 2D मॉडल में, और इसका 3D मॉडल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसे अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें, सेकेंड फ्लोर की, तो एग्जैक्ट डायमेंशन कितने बाय कितने के रूम है सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दिया है इस वेबसाइट का। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ देख सकते हैं, 20x60 का पूरा होम डिजाइन का प्लान। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं 3D व्यू, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आगे वाली की बात करें दोस्तों, ये अप्रॉक्स आपका टोटल की बात करें तो 10 फीट में आपका जो मैंने पहला बेडरूम निकाला, जैसे आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो ये आपका बेडरूम है, और मेन गेट दोस्तों ये वाला रखा है मैंने, तो यहाँ पर आपका ये आपका बाथरूम हो जाता है और ये आपका लेटरिन हो जाता है, और ये आपका गैलरी गया बेहतरीन सा, और ये आपका पूजा घर इसको बना सकते हैं आप, या स्टोर रूम बना सकते हैं, और ये आपका स्टेयर्स है एल साइज का, और ये आपका एक बेडरूम बड़ा सा निकल आता है, और ये आपका बहुत बड़ा हॉल यहाँ पर बेहतरीन सा जगह निकल आता है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। और आगे आपका एक एक कार पार्किंग के लिए बेहतरीन सा डिजाइन है, और ये एक आप छोटा सा प्लेग्राउंड है 12x10 का दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो ये पूरा होगा ग्राउंड फ्लोर। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल सिमिलर ही है, बस जो मैंने आगे यहाँ पर लेटरिन और बाथरूम बनाया था वो हटाकर एक बेडरूम यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ 10x12 का, 10x12 का, और पीछे का पूरा आपका 13x20 का बड़ा सा हॉल निकल आता है। और हम बात करें तो इस एक ये बेडरूम और है, ये आपका वही सेम पूजा घर और सीढ़ी होगी, ये आपका सेम एरिया आपका बच जाता है। तो ये तो होगी फर्स्ट फ्लोर की बात। तो ये पूरा डिजाइन आपको दिख रहा होगा ऐसे, और पूरा डिटेल आप दोस्तों वेबसाइट पर ले सकते हैं। और आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर करें, और रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार आपके लिए होम डिजाइन से लाता रहता हूँ। आपके अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका पॉसिबल जितना हो सकता है मॉडल बनाकर देता हूँ। तो अभी हम लास्ट फ्लोर और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो आपका फ्रंट ऐसे दिखेगा फर्स्ट फ्लोर तक, और अगर हम लास्ट फ्लोर पे जाएं, मैंने खास कुछ नहीं, बस सीढ़ी ये रेलिंग बना दिया और चारों तरफ से इसको बंद कर दिया, और जो आपका सीढ़ी था, जो स्टेयर्स थी, उसको ढक दिया है। तो ये पूरा आपका मॉडल है, देख सकते हो आप फ्रंट से भी देख सकते हो और साइड से भी देख सकते हो। साइड से मैंने कुछ डिजाइन नहीं दिया है खास, और ये आपका पूरा डिजाइन बन के तैयार हो जाता है। तो ये ऐसा आपका ग्राउंड है, मतलब पूरा डिटेल है। और ये वाला जो बालकनी से आपको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये आगे का जो कार के जस्ट ऊपर होगा ये बिल्कुल खुला होगा, यहाँ पर आप कुछ भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं अपना बेहतरीन से। एक पूरा 12x10 का रूम है, अगर आप चाहें तो रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आपका खुला रहेगा, तो बहुत ही बेस्ट घर लगने वाला है पूरा डिजाइन। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, ये डिजाइन कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी कमी है तो मुझे कमेंट करिएगा,
और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और दोस्तों मेरा इसी चैनल का फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी क्लिक करके आप उसको जरूर फॉलो करें, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो पूरा डिटेल था मॉडल का, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें।